हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो दोस्तों, वापस से और एक नए मजेदार वीडियो में आप सबको स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं महाप्रभु जगन्नाथ टेंपल में। तो दोस्तों, जी हाँ, आप लोग को शायद लग रहा होगा कि हम लोग फिलहाल पूरी जगन्नाथ टेंपल में हैं। जी नहीं दोस्तों, हम लोग फिलहाल अभी हैं आसाम का ही एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लेस में, जहाँ पे इस जगन्नाथ मंदिर को स्थापित किया गया हुआ है। आसाम का इस जगन्नाथ टेंपल का पूरा डिटेल्स, एड्रेस वगैरह सब कुछ इसी वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर बने रहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि इस मंदिर की चारों ओर जो दीवारें बनाई गई हुई है, वहाँ पे कृष्ण जी की मतलब जो लीलाएँ हैं, वो सारा काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको दर्शाया गया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसका मतलब लुफ्त उठाइए, एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। दोस्तों, एंटर करते ही आप सबको यहाँ का काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिलेंगे, और छोटे छोटे जो मंदिर स्थापित की गई हुई है वो सब तो देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मतलब कितना खूबसूरत सा मतलब मौसम है, और मंदिर का क्या बोलूँ यार, इसका टेक्सचर जो है, मतलब जो मंदिर का मतलब चारों ओर जितना खूबसूरत से इसको सजाया गया हुआ है, और काफ़ी शांत प्लेस है, मतलब आके ना आपको बहुत ही सुकून सा महसूस होगा, काफ़ी खूबसूरत सा है, क्या ही बताऊँ। तो दोस्तों, आप इस वीडियो का मज़ा लीजिए, वो फील कीजिए। तो बिना बकबक किए आप सबको वीडियो में आगे ले चलते हैं। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों, और पूरा डिटेल्स बताएंगे इसी वीडियो में, काफ़ी पूरा डिटेल्स आप सबको जानने को मिलेंगे कि ये मंदिर आसाम में कहाँ है, क्या है, और कहाँ पे ये स्थित है, कहाँ पे बनाया गया हुआ है, ये तमाम डिटेल्स आप सबको बताएंगे थोड़ी ही देर में। तब तक आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, मेरे इन सभी दोस्तों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इन लोगों का बदौलत आज मैं इस पवित्र भूमि में आ पाए, और महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन कर पाए। तो तहे दिल से इन सबको शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू एवरीवन।
ये खूबसूरत सा टेम्पल जो जगन्नाथ प्रभु का मंदिर है, ये डिब्रूगढ़ शहर में स्थित है और ये ठीक डिब्रूगढ़ तिनसुकिया जो बाईपास है ठीक उसी का पास में ही ये मंदिर है। आप तिनसुकिया का तरफ अगर थोड़ा सा मूव करेंगे तो थोड़ा दूर आने के बाद ही नेशनल हाईवे के ठीक बगल में ही ये मंदिर आपको दिख जाएंगे। जहाँ पे ये टेम्पल बनाया गया हुआ है, इस जगह का नाम है खोनिकर। जी हाँ दोस्तों, नेशनल हाईवे के पास ही है ये खोनिकर, आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं। हे गाइस, आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। तो दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह का और एक नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।